नए लुक के साथ बिहार तक में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार तक लगातार अस्पतालों के हालात की रियलिटी चेक कर रहा है। क्या तीसरी लहर के लिए अस्पताल तैयार है? आज हम आपको मुंगेर सदर अस्पताल का हाल दिखाते हैं। जिस अस्पताल में हजारों मरीज का इलाज होना है, उस अस्पताल की छत जहाँ तहाँ से गिर रही है। मुंगेर सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सेकंड फ्लोर पर ACMO कार्यालय के कर्मी आज भी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। कार्यालय पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। हर जगह छत से प्लास्टर के बड़े बड़े टुकड़े गिरते रहते हैं, जिससे कई बार तो कर्मी घायल होने से बचे हैं। कई बार रिपेयरिंग भी करवाया गया है पर ठीक नहीं हुआ। बार बार इसका प्लास्टर सर होता है और कभी तो ऐसा हुआ है कि जान जाते जाते रह जाता है। देख ही रहे कि मेरे माथे के ऊपर में चट गिर जाता है। बाहर में भी जहाँ तहाँ जहाँ भी देखिए सर, यही हाल है बिल्डिंग का। सिविल सर्जन कार्यालय के बने 12 साल भी नहीं हुए और भवन की इस दशा से साफ पता चलता है कि भवन के निर्माण में अनियमितता बरती गई। ACMO कार्यालय के प्रत्येक रूम के अलावा बरामदा और बाथरूम के छत का प्लास्टर भी टूट टूट कर गिर रहा है। इतना ही नहीं, दीवार भी काफी जर्जर अवस्था में दिखी। अच्छा, तो आप लोग बताते नहीं है क्योंकि ये स्थिति है सर? तो आते हैं, बैठते हैं, अभी देखते हैं। बड़ी दिक्कत है, ऊपर टंकी पानी बहते रहता है और सारा पूरा पानी इधर आता है। वहीं इस मामले पर जब CS हरेंद्र कुमार आलोक से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भवन की स्थिति सही में दयनीय हो गई है, पर अब इस भवन को टूटने का आदेश हो गया है, इस कारण इसमें अब कुछ भी काम नहीं करवाया जाएगा। टूटने की बात है, ये बिल्डिंग टूटने की बात है, ये टूटेगा बिल्डिंग और नया बिल्डिंग बनने जा रहा है इस पर। अच्छा, तो इसलिए ऊपर में जो वर्कर है काम करने तो बहुत है, भयाव है, लेकिन अब तो टूट नहीं जा रहा है, प्रस्तावित हो गया है नया। अच्छा, तो भवन बनेगा, इसमें देखते हैं हम लोग, जब टूटने लगेगा तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। अस्पताल के इस हालात पर सवाल उठता है कि अगर इस भवन को तोड़ना है तो अब तक इन कर्मियों को कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? आखिर कब तक अस्पताल के कर्मचारी डर के साए में काम करते रहेंगे? बिहार तक का नया लुक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।